एक वचन हम आज पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 उसका 4 से हम पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हाँ। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल हो जाओगे। हाँ, आगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। आगे पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने बस। हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहला आदम, पहली औरत जो परमेश्वर की महिमा से ढके हुए थे, पवित्रताई से ढके हुए थे, एक भरपूरी से ढके हुए थे, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे। प्रभु ने उनको पूरे समुद्र के ऊपर, आकाश के ऊपर और पूरी पृथ्वी का जो अधिकार था वो आदम के पास था। प्रभु ने कहा, स्वर्ग तो परमेश्वर का है पर पृथ्वी मैंने मनुष्य को दी है। और जैसे ही उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, शैतान क्या लालच देता है तुम्हें, तुम्हारे पास ये हो जाएगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, सारी दुनिया तुम्हारे अधीन हो जाएगी, वो लालच देता है। आज सबसे ज्यादा बड़ा लालच क्या है पता है? जो भी कुछ इंसान कर रहा है, तुम बुद्धिमान हो जाओगे। हाँ? आज बुद्धि के पीछे भाग रही है दुनिया, संसार की बुद्धि जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है। समझ रहे हैं आप? संसार का ज्ञान हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है और यही लालच शैतान ने दिया था आदम को। जिस दिन और जैसे ही उसने फल खाया, क्या हुआ? सबसे पहले उसकी आंखें खुली। क्या वो अंधा था? अंधा था आदम? यहां पे लिखा है आंखें खुली, पर एक आंखें है जो बंद हो गई थी। उसकी कौन सी आंखें खुली? शारीरिक आंखें खुली। पहले वो सीधे प्रभु को देखता था, अभी वो इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। अरे मैं नंगा हूं, पर कोई फर्क नहीं, वो नॉर्मल, दिमाग में गंदगी नहीं थी। जैसी और दूसरी चीज क्या? डर। जब आदम परमेश्वर आया, उसने बोला, आदम तू कहां है? बोले, तेरा शब्द सुन के डर गया। आज डर किसको लगता है पता? हाँ? जिनका संबंध परमेश्वर से है उनको डर नहीं लगता। समझ रहे? परमेश्वर ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। डर बनाया नहीं गया था, डर की वजह है पाप। आप कुछ भी करो आपको डर नहीं लगता, आप चोरी करो आपको डर लगता है, पाप करते हो इंसान को अंदर से एक डर आता है। और क्या आया? डर आया। आज सबसे ज्यादा क्या है लोगों के जीवन में?
फेल होने का डर, जॉब ना मिलने का डर, फ्यूचर का डर, हाँ बीमारी का डर, दुनिया भर के डर हैं, हजारों डर शैतान ने दे रखे इंसान को। ये जब बीमारी आई, महामारी आई कोरोना की, लोगों ने सुसाइड कर लिया कि हमें कोरोना ना हो जाए, समझ रहे हैं? इतना डर आ गया उनके अंदर, बीमारी से ना मर के ऐसे मर गए। ये डर था, लोग डर से ज्यादा मरे। आज भी इंसान क्यों मरता है? डर के कारण। तो डर आया आदम के अंदर, और आज भी शैतान क्या लेके आता है? डर। हर एक डर के पीछे सबसे बड़ा डर पता है कौन सा है? हाँ, मर जाएंगे, बीमारी के कारण भी मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, फ्यूचर में कुछ नहीं हुआ मर जाएंगे, ये हो जाएगा मर जाएंगे। सबसे बड़ा डर कौन सा इंसान का? हर चीज के पीछे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो थी मौत। आज जितना भी कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? जीवन के लिए, जीने के लिए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये डर। ये डर आया और क्या हुआ? छुप गया, परमेश्वर से छुप गया, और अपने सारी भरपूरी और बहुतायत के जीवन को खो दिया उसने। संसार की बुद्धि पाने के लिए उसने अपना अनंत काल खो दिया एक बार, और उसके कारण श्राप, बीमारी, तकलीफें उसके जीवन में आ गई। आज अगर आपको लग रहा है, एक वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 3, उसका 17 से हम पढ़ेंगे। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों के में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है। तुझे लग रहा है तू बड़ा पैसा तेरे पास, तुझे लग रहा है तेरे पास बड़ी जायदाद है और तू अमीर है। आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है जिसके पास ज्यादा पैसा है वो धनी है, और उनका धन उनको बचाएगा। प्रभु कह रहा है तुझे लग रहा है तू धनी है, तू ब्लेस्ड है, तुझे लग रहा है, पर परमेश्वर कहता है, तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। आप जानते हैं, एक व्यक्ति जो मसीह में नहीं है, जो प्रभु की महिमा से ढका हुआ नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया उसने क्या किया? मनुष्य के उस नंगेपन को अपने पाप की वजह से जो आया था, यीशु ने उस पाप को धोके मनुष्य को धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया। हालेलुया। मनुष्य जो अंधा था, पता नहीं कहां जा रहे हैं। आप जानते हैं, एक व्यक्ति जो प्रभु में नहीं है वो एक अंधा है। वो ऐसा है कि भीड़ में छोड़ दिया संसार में, पता नहीं इधर को जाऊं, ये रास्ता जाऊं, इस रास्ते जाऊं, किधर को जाऊं, वो भटका हुआ व्यक्ति है। और परमेश्वर के पास जब हम आए,
हमारी आंखें खुली, हमारी आंखें खुली और हमें मार्ग दिखा, हमें परमेश्वर का दर्शन मिला, हमें हमारा अनंत काल दिखने लगा। आज हमें क्या करना है और क्या नहीं करना हमें पता है। अब हम देख के चल रहे हैं, हम अंधों के समान नहीं चल रहे जो कोई भी बोल दे ये कर ले कर लेंगे। अब हमें दिखता है और हमारा जो कंगालपन था, कंगालपन यहां पे संसार के धन की बात नहीं कर रहे परमेश्वर, हम जो अंदर से, मैं आपको बताना चाहती हूं, आपको लग रहा है यहां पे दो लोग, दो आ जाओ ध्रुव और अनुज, तुम आ जाओ। ये दो व्यक्ति है, हा? ये दो व्यक्ति है, एक सोच लो ये एलन मस्क है दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इंडिया का अंबानी लगा लो, समझ रहे हैं? और ये एक प्रभु का जन है जो उद्धार पाया हुआ है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, अनंत काल का जीवन पाया हुआ है, प्रभु की सामर्थ पाया हुआ है, इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। और ये अब आप बताओ परमेश्वर की नजर में कौन धनी है? ये जिसके पास पूरी दुनिया, ये 5 लाख के कप में चाय पीता है, कपड़े पहनता है, हाँ 5 करोड़ की गाड़ी में चलता है, सबसे अमीर आदमी। आप बताओ परमेश्वर की नजर में कौन अमीर है? बताओ कौन अमीर है परमेश्वर की नजर में, ये या ये? बोलो, ये व्यक्ति, ये परमेश्वर की नजर में अमीर है। हालेलुया, ये स्वर्ग के राज्य में, इसको पूरा स्वर्ग जानता है। यीशुस, यीशुस। इसको लेने कौन आएगा? प्रभु के दूत लेने आएंगे, प्रभु लेने आएगा। इसको लेने कौन आएगा? बोलो, पढ़िए धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी, पढ़िए? नहीं पढ़ी? वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, हा? धनी व्यक्ति, बड़ी पार्टी करता, बड़ा चमक दमक दुनिया की। जब मरा, इसको प्रभु के दूत लेने आ रहे हैं, इसे दुनिया का तो सुख नहीं, दुनिया में कुछ नहीं था इसके पास, कोड़ी जखम भी कुत्ते चाटते थे, पर जब ये मर गया, इसको स्वर्ग के दूत लेने आ रहे हैं और ले जाके पूरा सानो शौकत से सफेद वस्त्र पहना के इब्राहिम की गोद में बिठा दिया। और ये व्यक्ति जो दुनिया में इतना बड़े, पूरी अलमारी ब्रांडेड सूटों से भरी हुई थी इसकी, बड़ा घर का गेट, बड़े बड़े लोग इसकी पार्टीज में आते थे, अब ये मरा, इसका नाम भी नहीं है बाइबल में, पता है आपको? जिनके नाम इस धरती में बड़े बड़े हैं ना, स्वर्ग में उनको कोई नहीं जानता, नरक में भी नाम नहीं है उनके, जो कोई नहीं जानता, समझ आ रही है आपको? और जब ये मरा तो इसको लेने कौन आए? शैतान की दूत। और ले जाके कहां डाल दिया इस अमीर व्यक्ति को? कहां डाल दिया? नरक की आग में। और वहां पर क्या मांग रहा है? हाँ? अब मुझे याद नहीं है ब्रांड, नहीं तो महंगी महंगी दारूएं मिलती थी ना, वो पीते था ये। अभी वहां पर क्या तरस रहा है? एक बूंद पानी, ओ लाजर मेरी जीभ पे रख दे, मेरी ज्वाला से मैं तड़फ रहा हूं। अभी इसको तरस आया, बोले मैं भी तो उसकी देवड़ी पे रोज खाना खाता था। बोले कोई बात नहीं, वो पिता इब्राहिम, वो देख कैसे तड़फ रहा है, चल कोई नहीं, थोड़ा सा पानी दे आता। अभी इब्राहिम उसको बोलता है, तुझे पता नहीं बहुत बार इसके पास वचन गया, बहुत बार, फिर से मेरी सुनी नहीं, और अब तू जाना भी चाहे ना, तेरे
और इसके बीच में एक ऐसी गहरी खाई है कि ना तो इधर वाला उधर जा सकता है और ना उधर वाला इधर आ सकता है। समझ रहे? तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से 1000 गुना अमीर व्यक्ति हो। हालेलुया। तो मत सोचो ये बेचारा है, इसके पास उद्धार नहीं, अनंत काल का जीवन नहीं, और ना ही अपने पैसे से खरीद सकता है। ये सिर्फ यीशु देता है, ये सिर्फ यीशु देता है, और उसके लिए यीशु के पास आना होगा। अब यीशु के पास आना है तो समाज का डर भी छोड़ना होगा, हाँ दीन भी होना पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा। ये तो नहीं होगा भाई, आज बहुत सारे लोग बोले नरक चले जाएंगे, कोई बात नहीं। समझ रहे? ये एक दुनिया में ये परमेश्वर की नजर में बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। आपको लग रहा है ये अमीर है, ये बहुत गरीब है। और ये व्यक्ति इसके बाद दुनिया का तो भले कुछ ना है, पर ये स्वर्ग में सबसे अमीर है, क्योंकि इसके पास अनंत काल का जीवन है, इसके बाद परमेश्वर है। हालेलुया। मत सोचो अमीर अमीर अमीर, हम स्वर्ग पूरा दूध हमें जानते। अभी बोला जाके ऑयल उड़ेला उड़ेला नहीं उड़ेला, स्वर्ग सुनता है हमारी। इससे बड़ी अमीरी क्या है? एलन मस्क बोले दूध आए, नहीं आते, नरक के ही आएंगे आएंगे। तो हमें स्वर्ग सुनता है, हमें स्वर्ग की सेना सुनती है, हमें अधिकार है उसके सिंहासन के पास जाने का। हालेलुया। इसीलिए याद रखिए ये अंतिम समय चल रहा है। मैंने सुबह भी बताया था आपको, मत भागो दुनिया की आशीष के पीछे, दुनिया के धन के पीछे। शैतान जो सबसे जरूरी है छीन लेगा। आज शैतान इल्मनाटी, हाँ बड़े बड़े सीक्रेट सोसाइटियां किसके पीछे पड़ी है? वो कहती है हम तुम्हें नेम देंगे, हम तुम्हें फेम देंगे, रातों रात स्टार बना देंगे, पर कुछ चाहिए तुमसे। बोले अपनी आत्मा हमारे नाम करो, आत्मा का अधिकार हमें दे दो, जब तुम मरोगे तो तुम हमारे साथ रहोगे। शैतान को पता है उसको कहाँ रहने वाला है, तो वो लोगों को वो नहीं चाहता। आप जानते हैं शैतान परमेश्वर से लड़ नहीं सकता, लड़ तो वो आपसे भी नहीं सकता। इसीलिए जब उसने परमेश्वर को दुखी करना है ना, तो आपको बनवाएगा, आपको कमजोर करेगा, आपको प्रभु के मार्ग से भटकाएगा, क्योंकि प्रभु को दर्द होता है जब उसका बेटा उसकी बेटी उसके मार्ग से भटक जाते हैं। वो डायरेक्ट नहीं कर सकता कुछ भी। शैतान के पास कोई आपके खिलाफ कोई पावर नहीं है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ दी है, और शैतान की किसी भी सामर्थ से तुम्हारा कोई हानि नहीं होगी, ये बोला प्रभु ने। लेकिन जब हम उसके साथ सौदा करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं, हम उसे सामर्थ देते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। प्रभु के दूत बाइबल में लिखा जो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है उसकी रक्षा के लिए प्रभु ने दूत दे रखे हैं। नहीं तो शैतान आपको पता नहीं आपको एक दिन में खत्म कर दे, एक दिन में। इतनी नफरत करता वो आपसे। आप स्कूल जा रहे हो, आप ड्यूटी पे जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, आप सेवा में जा, एक दिन में खत्म कर दे तुम्हें, इतनी नफरत करता हूं तुमसे। कौन है जो तुम्हें बचा के रखता है? कौन है जो तुम्हें तुम्हारे आने जाने में तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी सुरक्षा करता है, तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा करता है? कौन है? वो परमेश्वर, उसके दूत उसने तैनात कर रखे है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारी रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। उसने दूत परमेश्वर के पुत्रों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं।
हालेलुया। इसलिए आत्मिक अंधे मत बनो। शैतान चाहता है कि हम कभी ना देखें। अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। बोलो मुझे दिखता है। बोला मैं अंधा नहीं हूं, अब मुझे दिखता है, मेरे पास मार्ग है। आप जानते दो मार्ग है। आ जाओ फिर से, आ जाओ फिर से, आ जाओ। प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा समझ में आती है। अपनी अपनी जगह ले लो। हालेलुया। ये हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं। दो रास्ते, तू इधर आ जा। एक मार्ग है, बाइबल में लिखा है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और संकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, पर इस मार्ग में परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बहुत संकरा है, बहुत संकरा है, बस प्रभु की ओर देख के ही चल सकते हो, समझे? ये संकरा मार्ग है, और इस मार्ग में आज्ञाकारिता है। आप इधर नहीं जा सकते, आप वो नहीं कर सकते, लेकिन ये चौड़ा मार्ग है, ये चौड़ा मार्ग है। संसार का मार्ग चौड़ा है, इसमें आप जहां मर्जी जा सकते हो। इसमें इंसान व्यभिचार कर सकता है, इसमें इंसान नशा कर सकता है, इसमें चोरी कर सकता है, पर ये बहुत कंफर्टेबल है, जो मन करे करो। हाँ, पर इस मार्ग में यीशु नहीं है, और जब ये मार्ग पे इंसान चलता है तो आगे अनंत काल का नरक है, अनंत काल की आग है, जहां से कभी कोई बाहर नहीं आएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को ये मार्ग पसंद है, समझ रहे हैं? आज बहुत सारे मसीह लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं, मार्ग वो है उनका, पर चल रहे हैं इधर को। याद रखो, यहां पे बड़ा पैसा, बड़ा कुछ हो सकता है तुम्हारे साथ। इसमें तुम्हें लग रहा है कोई नहीं देख रहा, मैं बंद कमरे में क्या कर रहा हूं, मैं क्या नशे कर रहा हूं, क्या रिश्वत ले रहा हूं, क्या चोरी कर रहा हूं, क्या पाप कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन याद रखिए, ये मार्ग में यीशु तुम्हारे साथ नहीं है कि बचा लेगा, वो नरक है। अंत में जब कभी रेस होती है तो शुरुआत नहीं देखते आप, क्या देखते हो? अंत। जब कोई मैच होता है, हाँ, इंडिया पाकिस्तान या कहीं का भी, तो आप क्या क्या आपकी आंखें कहां लगी होती है? कौन एंड पे, कौन जीता? समझ आ रही है आपको? आज भले तुम्हें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आंखें खुली हैं, अंत में विनाश है। ये मार्ग तो कठिन है, इसमें तुम व्यभिचार नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, अबॉर्शन नहीं करवा सकते, यहां पे तुम चोरी और रिश्वत नहीं ले सकते, कठिन है। इतना पैसा मिल रहा था, एक ही तो झूठ बोलना था, कितना फायदा हो जाता मेरे बच्चे होगा। नहीं नहीं, पर नहीं कर सकता ना, आज ही तो पास्टर ने प्रचार करा चोरी नहीं करना। चलो कोई बात नहीं प्रभु, तू देखेगा, तू मेरी जरूरतें पूरी करेगा। फिर ये आगे आता है, फिर एक लालच सामने दिखाई देता है, अरे ये लड़की खुद प्रपोज किया मुझे, अब क्या करूं मैं? नहीं नहीं, आज ही तो पास्टर ने प्रचार किया, व्यभिचार नहीं करना। नहीं प्रभु माफ कर, आंखें गंदी नहीं करूंगा अपनी। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे और चला। अभी रास्ते में और पाप आ रहा है, अरे ये फोन है, कौन देख रहा मुझे? बिस्तर में घुस के ब्लू फिल्म में देखता हूँ ना, कौन देख रहा है? जैसे ही खोलते बोला, अरे प्रभु वचन आज ही तो पास्टर ने प्रचार किया था,
कि शरीर का दिया आंख है, अगर आंख गंदी होगी तो तेरा सारा शरीर गंदा है। ओ सॉरी प्रभु, गलती होगी, अब नहीं करूंगा। फिर थोड़ा सा आगे जाता है, कठिन है, कठिन है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आज्ञाएं हैं, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, अब मन के पीछे नहीं चल सकते आपको, खुदा के वचन के पीछे। अगर आपका बाप है तो वो अनुशासन में लेके आएगा आपको। आप देखते हो जिनके सिर पे माँ बाप नहीं होते कई बार, या कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं लेता, सड़कों पे पलते, सड़कों पे ही चोटाकू बन जाते जब तक यीशु नहीं आता उनके जीवन में। लेकिन अगर पिता है कोई, आप माता है, अनुशासन में लेके आते अपने बच्चों को, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर आपका पिता है, उसने आपको गोद लिया है, अपने लहू से खरीदा है, तो अनुशासन में भी लेके आएगा। हालेलुया, वो अनुशासन में भी लेके आएगा। अभी फिर चलता है, प्रार्थना कर रहा है अभी, प्रभु अब समझ गया, अब कुछ नहीं चाहिए, आज्ञाकारिता में चल रहा है। अभी एक दिन आया, चला गया दुनिया में से, अभी दूध लेके जा रहे हैं ऊपर, दूध लेके जा रहे हैं, बैठ जाओ। एक दिन आएगा, प्रभु देखेगा इसको, यीशु देखेगा, वो मेरे विश्वास योग्य बेटे, मेरे विश्वास योग्य पुत्र, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहे, ले मैं तुझे जीवन का मुकुट पहनाता हूं, आज से तू मेरे दाहिने बैठेगा और मेरे साथ रहेगा और इन सब लोगों का, इन दूतों का न्याय करेगा। वो धार्मिकता के वस्त्र पहना के अब ये क्या कर रहा है, प्रभु कहता है अब ये धार्मिकता के वस्त्र जिन्होंने पहन लिए, वो यीशु के साथ बाहों में बाहें डाल के स्वर्ग में घूम रहे हैं, पूरा स्वर्ग उनको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा धन चाहिए? अभी ये जो मन कर रहा कर रहा, ये जो उसने मना कर रहा ये सब कर रहा। अभी तो लोग बोले अरे वाह कितना अमीर आदमी, कितनी बड़ी गाड़ी है इसकी ना, अरे देखो क्या स्टाइल है, कितना महंगा ब्रांड पहनता है, बड़ा देख रहे मोबाइल में आज इसको। लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, ये भी गया, अभी नरक के दूत उठा के इसको, इसको प्रभु आएगा, उठाओ इसको, मेरा वचन तेरे पास आया, हर संडे प्रचार सुनता था तू मेरा, मैं तुझे चिताता था, मैंने बहुत मौके दिए तुझे, नहीं सुधरा, ले जाओ इसको मेरे सामने से, अनंत काल के नरक में डाल दो। शरीर को तो खूब आनंद दिया पर आत्मा नरक में चली गई। हालेलुया। कौन सा धनी बनना चाहते हो, संसार के या परमेश्वर की नजर में कौन सा धनी बनना है? दुनिया का धन ठुकरा देना, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, पर अपना अनंत काल का जीवन कभी मत खोना, जिसके लिए यीशु ने, परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने, जो स्वर्ग में, आज जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, इतना महिमा में जलाली रूप यीशु का, वो धरती पर आ गया, हम इंसान बन गया, चरनी में जन्म लिया, इस दुनिया में आके ऐसी श्रापित मृत्यु, वो पाप यीशु ने नहीं किए थे, वो तुम व्यभिचार तुमने किया, चोरी तुमने की, पाप मैंने किया, पर कोड़े यीशु को लगे, कीले यीशु ने खाई, इतनी बड़ी कीमत, क्योंकि कोई और उपाय नहीं था, पूरी मानव जाति के पास कोई उपाय नहीं था, स्वर्ग धरती में कोई उपाय नहीं था कि इंसान द्वारा परमेश्वर से मिल सके, कोई नहीं था जो मृत्यु को हरा सके, उसको आना पड़ा धरती पर, इंसान बनना पड़ा, और उसने आपके और मेरे पाप उठाए, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो पाप की दीवार उसने गिरा दी, मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया।
और वो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ दिया। लेकिन बड़े अभागे हैं, इसीलिए पौलुस कहता है अभागे हैं वो लोग जो इसी जीवन में प्रभु से चाहते हैं, अभागे हैं, लेकिन धन्य हैं वो लोग जो इस जीवन के लिए नहीं अनंत काल के जीवन के लिए यीशु के प्रेम के लिए उसके साथ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे मूर्ख लोग बोलते हैं, ले अपने को नहीं बचा सका, हमें क्या बचाया है, बचाएगा यीशु मसीह, वो तो लटक गया। मैं बोलती बस तरस ही आता है, बोलती प्रभु इन्हें माफ करिए, जानते नहीं ये क्या कह रहे हैं। एक दिन जब इनको पता लगेगा ना, जब नरक में कहेंगे यीशु बचा ले, ओ प्रभु बचा ले, प्रभु देखेगा, उसके सामने पिक्चर आएगी, इसने वचन सुनाया था, इसने भी वचन सुनाया था, इसने भी सुनाया था। प्रभु कहेगा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुझे बहुत मौके दिए। आप जानते हैं एक बार व्यक्ति ये शरीर छोड़ देगा, उसके बाद प्रभु डिसाइड करेगा तुम्हारे कामों के अनुसार तुम कहां जाने वाले हो, ना तुम्हारा धन, ना तुम्हारी पावर, कुछ काम नहीं आना, कुछ नहीं। इसलिए याद रखिए, एक वचन पढ़ते हैं, याकूब 1:9। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हाँ। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है। हाँ। और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हालेलुया। वो कहता है दीन नम्र भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दिशा में। एक धनवान नीची दशा में है, हमें किस पे घमंड करना है? कहते ना वीर अपनी वीरता पे और ना धनी अपने धन पे घमंड करे। अगर किसी को घमंड करना है तो इस बात पे करे कि वो अपने बनाने वाले को जानता है और उसे समझता है, उसके प्लान समझता है। लिखा है धनवान अपने मार्ग पे चलते चलते नाश हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है, उसकी शोभा जाती रहती है। फिर आपने कितने महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हैं, कितना गाड़ी में गए हो, क्या है, सब शोभा झूठी। लेकिन एक व्यक्ति जो आज प्रभु के साथ चल रहा है, नम्रता दीनता से आत्मा के फलों से भरा हुआ, एक दिन आएगा, हो सकता है दुनिया की शोभा नहीं, लेकिन प्रभु उसकी शोभा बढ़ाएगा। करोड़ों दूत, एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, उस भीड़ के बीच में यीशु बोलेगा, आ मेरे बेटे, तू थोड़े में विश्वास से हो क्या रहा। कौन सा ऑनर चाहिए, दुनिया का? कौन सा आदर चाहिए, संसार का? पौलुस को मिला कोई आदर? मुझे भी आदत नहीं है, मैं हमेशा बोलती प्रभु तेरा है, मुझे बहुत सारे लोग ऑनर में हाथ जोड़ती हूँ, मेरा मत करो, जिसने काम प्रभु कर रहा है, आदत नहीं है ज्यादा ऑनर में, प्रभु सब तेरा है। मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए जब मैं आऊं तू मुझे पहचाने, जब मैं आऊं तू मेरी ओर देखे और कहे मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझे चाहिए वो ऑनर। मैं ऐसे ही नहीं कर रही सब कुछ,
मुझे चाहिए मेरे प्रभु से, चाहिए मुझे स्वर्ग का धन, चाहिए वो मिरास, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। प्रभु से कहती हूँ, प्रभु तू बोल क्या छोड़ना है। प्रभु ने मुझसे बहुत सारी चीजें बोली, ये कर, ये कर, ये छोड़, ये कर। आप जानते हैं मुझे कितनी खुशी होती जब प्रभु मुझे बोलता है ये कर, और वो सामने फायदा नजर आ रहा होता है, प्रभु कहता है छोड़। धन्यवाद प्रभु, तू मुझ पे हक रखता है और मुझे बोलता छोड़ने के लिए। मैं तेरी बेटी हूं इसलिए बोलता प्रभु इसको छोड़, मैं तुझे असली धन दूंगा। जब तुम उसकी सुनते हो वो तुम्हारी सुनता है, जब तुम उसको नहीं सुनोगे वो तुम्हारी भी नहीं सुनेगा। हालेलुया, तो हाथ से उसको सुनो, वो क्या कह रहा है छोड़ने के लिए, वो क्या कह रहा है त्यागने के लिए, वो क्या कह रहा है किस मार्ग पे नहीं जाना। सुनो उसकी, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम पुकारोगे दौड़ आएगा वो। हालेलुया। एक वचन और, दो कुरंथियों इसका 12 भी हम पढ़ेंगे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। जो बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे दबाव, बहुत सारे प्रेशर, लेकिन आप प्रभु को नहीं छोड़ते, प्रभु की आज्ञाओं से नहीं भटकते, आप स्थिर रहते हो। परीक्षा में से निकलकर, इस जीवन की परीक्षाओं में से निकलकर जब तुम जाओगे, बाइबल में लिखा है उसने प्रॉमिस किया है तुमसे कि जब तुम इन सारी चीजों से निकल के मेरे पास खड़े होके आओगे मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, लिखा है क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। चाहिए वो मुकुट? हाँ, दुनिया का ही चाहिए सब मुकुट। बोलो मुकुट, स्वर्ग का चाहिए, प्रभु की ओर से वो ऑनर और आदर और वो मुकुट चाहिए, या दुनिया का? हालेलुया। बताओ आज जोर से बोलो, कौन सा चाहिए? जोर से बोलो स्वर्ग का। जोर से बोलो स्वर्ग का। बोलो मुझे स्वर्ग का मुकुट चाहिए, मुझे स्वर्ग का मुकुट चाहिए। बोलो प्रभु मैं खरा निकलूंगा, मैं जीवन की परीक्षाओं में नहीं गिरूंगा, जीवन की मैं पाप में नहीं गिरूंगा, पाप में नहीं गिरूंगा, मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कंप्रोमाइज नहीं, मैं खरा निकल के, खरा निकल के जीवन का मुकुट पाऊंगा, जीवन का मुकुट पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन, हम दो कुरंथियों 4 उसका 16, इसीलिए हम हयाब नहीं छोड़ते, इसलिए हम हयाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहर से चाहे परिस्थितियां ठीक नहीं है, बाहर का मनुष्यत्व नाश हो रहा है, लेकिन अंदर का मनुष्यत्व जब तुम परमेश्वर के साथ चलते हो वो बढ़ता जाता है, वो सामर्थ्य होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। समझ रहे? हमारा हल्का सा कलेश, हल्का सा दुख, हल्का सा सताब, ये तो कुछ भी नहीं है जो यीशु ने हमारे लिए सहा है। हमारे तो कुछ नहीं है उसके सामने। लिखा ये हल्का सा कलेश तुम्हारे लिए क्या उत्पन्न करता है? क्या लिखा यहाँ पे? हमारे लिए बहुत अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा, अनंत काल की महिमा उत्पन्न करता है हल्का सा कलेश। आज हो सकता है आपको पीड़ा हो रही हो सकता है आप किसी दुख में से निकल रहे हैं, प्रभु के कारण आपका विरोध हो रहा है, हो सकता है कुछ चीजें हो रही है। और हम तो
देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही देखी दिन की हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा की है। हालेलुया। समझे, ये जो कुछ भी दिख रहा सब थोड़े समय का, 50-70 साल जी लेंगे और क्या। लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं, स्वर्ग है कि नहीं? यीशु कहाँ गया? स्वर्ग में। उससे बताया हमें अपने पिता का घर। आज बहुत सारे लोगों ने स्वर्ग के दर्शन किए, क्योंकि जब मनुष्य की आंखें खुली ना तो आत्मिक बंद हो गई। आप जानते हैं, जो आत्मिक आंखें थी उसमें यह काला काला नहीं था, सफेद थी, सफेद आंखें। जब लोग रैलम में जाते हैं ना, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे देखो तो बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, जब लोग आत्मा में भरते हैं। आज भी मैंने कुछ लोगों को देखा, आंखें वाइट हो गई थी उनकी। ये बाहर तब आया जब आंखें खुली थी। हालेलुया। दो कुरंतियों 6:10, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसा है जैसा हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। पर जो हमारे पास है वो पैसे से नहीं मिलता, वो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें दे नहीं सकता। जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। उठ और चल फिर यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु नाम तुझे देते हैं, जिस नाम से लंगड़े चलते हैं, जिस नाम से अंधे देखते हैं, जिस नाम से गूंगे बोलते हैं। आज सुबह की सभा में एक बच्चा जिसने पहली बार यीशु बोला, इतनी जोर जोर से बोला, यीशु यीशु यीशु, और वो आत्मा में भर के रो रहा था। उसकी मां ने बोला, मैंने कभी इसकी आंख में आंसू नहीं देखे, 17-18 साल का बच्चा, बोले कभी आंसू नहीं, आज ये ऐसे फूट फूट के रो रहा है, बोले कभी नहीं देखा इसे रोते हुए। प्रभु का आत्मा जब आया, हालेलुया। तो पौलुस क्या बोलता है, हम शोक करने वालों के समान है पर सर्वदा आनंद, सर्वदा आनंद करते हैं। करते नहीं करते, यदि आप प्रभु में हैं, मैं आपको बोल रही हूं, आप सर्वदा आनंद करते हो। मसीह में परिपक्व हो जाओ, आप सिद्ध हो जाओ जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। हालेलुया। सब छोड़ देंगे, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा हमें। किसी डर से मत डरो, हर तरह का डर निकाल दो अपने जीवन से। अगर डरना है तो उससे डरो जिसे तुम्हारे शरीर और आत्मा को भी नरक में डालने का अधिकार है, और वो अधिकार यीशु मसीह के पास है, उसी से डरो। हालेलुया। यीशु से डरो। समझ रहे हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है। इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो प्रभु में नहीं है उसका नाम भी नहीं है, पर आपका नाम है। एक एक जने का नाम है, एक एक जने का सिंहासन है, एक एक जने का मुकुट है स्वर्ग में, एक एक जने का जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी वस्तुएं जो सदा काल की है। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया।